respected staff members, all the teachers and dear students. Hope you all are doing well. Good morning to all of you. Morning, sir. I am talking to you after a long time because I was not in India in last few days. That's why I am talking after a long time. Today I want to talk with you on a very interesting topic which you might have heard many times, that is positive thinking. Suna hai aapne? Aap khada karenge kin kin ne suna? Okay. मैं आपको पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में तीन तरह से बताऊंगा. पहले कुछ रिएक्शंस बताऊंगा आपको, उसके बाद मैं पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद में एक एक रिएक्शन के बारे में आपसे पूछूंगा कि ये पॉजिटिव थिंकिंग है या नेगेटिव थिंकिंग है. शुरुआत करते हैं रिएक्शन से. हेलो, how are you? I am fine and expecting the same for you. दूसरा रिएक्शन. हेलो, आप कैसे हैं? ठीक है यार, कट रही है, चल रहा है. दूसरा रिएक्शन. देख रहे हैं आप सभी, ये गिलास आधी भरी हुई है. दूसरा कहता है ये गिलास आधी खाली है. एक कह रहा है आधी भरी हुई है, दूसरा कहता है आधी खाली है. एक को नया काम दिया गया तो वो सोचता है इसमें मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है, आई कैन डू एंड आई विल डू, और करके रहूंगा. दूसरा क्या करता है, नहीं यह तो मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे में तो ये कैपेबिलिटी नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता. ये हो गए. फिर बच्चा सोचता है मैं तो पास नहीं हो सकूंगा, इसलिए पढ़ाई से हाथ झटकाने लगता है या पढ़ाई में इंटरेस्ट कम लेता है. दूसरा बच्चा कहता है मैं पूरी मेहनत करूंगा और फर्स्ट आकर बताऊंगा, मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा एग्जाम में. तो ये कुछ रिएक्शंस और एग्जाम्पल मैंने अलग अलग बच्चों, अलग अलग लोगों के जो समय समय पर निकलते हैं, और भी बहुत सारे उदाहरण इसमें होंगे, पर मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखे हैं कि किस तरह से हमारे रिएक्शन आते हैं पॉजिटिव और निगेटिव थिंकिंग के. अब मैं बताता हूं आपको कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है. बहुत बार आप लोगों ने सुना है पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए. बट वो पॉजिटिव थिंकिंग होती क्या है, क्यों रखनी चाहिए, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमारे को किस तरह से हेल्प करती है. तो देखिए, हम हमारे जीवन में, आप अभी बच्चे हो, थोड़े टाइम बाद में आप बड़े होंगे, व्यवहारिक जीवन में जाओगे, अभी भी आप संपर्क में आते हो अपने फ्रेंड्स के, अपने टीचर के, घर पे अपने पेरेंट्स के, अपने ब्रदर सिस्टर के, और जब आप बड़े होंगे तो आपका ये दायरा बढ़ता जाएगा. अब उसमें क्या है कि आप जब भी किसी से मिलते हैं, चाहे अपने फ्रेंड से मिलते हैं, चाहे आपके संपर्क में आने वाले जो मैंने अभी नाम गिनाए उनमें किसी इंसान से मिलते हैं, तो उसके बारे में क्या उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज है, क्या उसमें सीखने लायक है, क्या ऐसी चीज है जो मेरे को इंप्रेस कर रही है और जो मेरे को जिंदगी में आगे बढ़ाएगी. यदि हमारा नजरिया
सोच वो होती है तो हम उसके पॉजिटिव चीजों को ग्रहण करेंगे। तो ये चीज हमारी जिंदगी में हर स्टेज पर लागू होती है। व्यवहारिक जीवन में उतरोगे तो उस समय आपका दायरा और बढ़ेगा, तब भी आपकी हर जगह यदि पॉजिटिव सोच होगी कि मेरे को अच्छे गुण ग्रहण करने हैं और बुरे गुणों से दूर रहना है, क्योंकि हर इंसान में अच्छे और बुरे गुण होते हैं। तो आपके संपर्क में जितने लोग आते हैं तो उसके प्रति मन में ये रहे कि नहीं, मेरे को पॉजिटिव ही लेना है उनसे। दूसरा पॉजिटिव थिंकिंग का बहुत बड़ा होता है कि हमारे को हर एक को कुछ न कुछ काम जिंदगी में हर स्टेज पर करना होता है। जैसे अभी आप बच्चे हो तो आप पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो, एग्जाम देते हो, उसके बाद में रिजल्ट आता है। जैसे आप बड़े होगे तो उसके बाद में आपको प्रोफेशनल कोर्स में जाओगे, और बड़े होते हैं तो हम जॉब में जाते हैं, काम करते हैं और हमारे को नई नई रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है, तो वो हम जीवन में कैसे आगे बढ़ते हैं? कि हमारे को जो भी जिस समय में हम जो काम कर रहे हैं उसी में कंसेंट्रेट करते हैं और उसमें ही अपना सब कुछ लगा देते हैं। मतलब उसमें अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, उसमें कठिनाइयों पे गौर करने की बजाय हम ये सोचते हैं कि हाँ इससे मेरे को और कैसे अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी और मैं जिंदगी में कैसे आगे बढ़ूंगा। ये सब चीज मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये आपको पॉजिटिव थिंकिंग के बता रहा हूं कि पॉजिटिव थिंकिंग हमारे को किस तरह से जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करती है और हमारे को हमारी मंजिल हासिल करवाती है। इसका बहुत बड़ा रोल होता है। आपको एक बार कोई अपॉर्चुनिटी दी गई, आपने उसको बहुत अच्छी तरह हैंडल किया तो आपको फ्यूचर में और बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी और अच्छा करेंगे। आपने देखा होगा कि आप क्लास में भी होते हैं, आप बोलते हैं, अच्छा आंसर देते हैं तो टीचर आपको और अपॉर्चुनिटी देगी कि ये बच्चा हमेशा प्रिपेयर होके आता है, हमेशा सही जवाब देता है। ये तो हुआ सिर्फ आपके बचपन की बातें। इस तरह से आप जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे ये चीजें आपकी हर स्टेज पर जीवन में लागू होगी कि हर मिलने वाली जिम्मेवारी को आप बखूबी पूरा करते हैं। और वो ही नजरिया सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आगे बढ़ने के लिए, उससे आपको जिंदगी की नई मंजिल मिलती है। होता क्या है, ये पॉजिटिव थिंकिंग जरूरी क्या है, जरूरी क्यों है? जरूरी है इसलिए कि ये हमारे अंदर जो भाव उठते हैं, मन में से जो तरंगे उठती है, उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन देती है और हमारे आगे बढ़ने का एक रास्ता तय करवाती है। पॉजिटिव थिंकिंग से हम ऊर्जा से भरे रहते हैं, हम खुद ऊर्जावान होते हैं और दूसरों को ऊर्जा देते हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी का जो इंसान होता है वो हर जगह अपनी एक छवि छोड़ता है कि हाँ ये इंसान आया और इसने कुछ सबके लिए कुछ पॉजिटिव दिया। आप देखना, आप भी पॉजिटिव बोलोगे तो आपको आपके आसपास के वातावरण में सब लाइक करेंगे। यदि आपने हर चीज ना से शुरू की कि नहीं ये तो बराबर नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, इसमें ये खामी है, तो वो इंसान हर जगह किनारे होता जाता है और उसको जिम्मेवारी से वो वंचित रहता है, उसको जिम्मेवारियां नहीं मिलती है। तो पॉजिटिव थिंकिंग का हमारे आगे बढ़ने में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल। क्या आप सभी पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहेंगे? सब एक स्वर में बोलिए हाँ। ये सबको आपको एक जीवन दान होता है कि आपको जीवन में हर जगह हमारी पॉजिटिव सोच की वजह से हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और लगातार ये रास्ता हमारे लिए खुलता जाता है। तो उस सेंस में पॉजिटिव थिंकिंग का बहुत बड़ा रोल है। हम हमारे जहां से भी जुड़े हुए हैं, दूसरे व्यक्तियों से, संस्था से, या हम किसी भी स्टेज पर काम कर रहे हैं, तो हम सब जगह एक पॉजिटिव ऊर्जा फैलाते हैं और पॉजिटिव ऊर्जा खुद के अंदर भी रखते हैं। तो हम सबको
पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, जो हमारी जिंदगी को एक बहुत बड़ा डायरेक्शन देगी। और आप सब हर समय, ये होता कैसे, ये हमारे अंदर हर इंसान के अंदर भाव उठते हैं, मन के अंदर से तरंगे उठती है, और तरंगे मैं बताऊं दोनों तरह की उठती है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं, मेरे पास नेमाराम जी खड़े, मैंने नेमाराम जी से बात करते वक्त इनकी निगेटिव 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 चीजें ही ग्रहण की। मेरे सामने दो है अल्टरनेटिव, कि एक तो मैं इनके जो जो मैं देख रहा हूँ कि नेमाराम जी ने ये काम अच्छा किया, ये बढ़िया है, इसको मेरे को अप्रिशिएट करना है और ये बहुत इनका मैं धन्यवाद करूं। और दूसरा है कि मैं इनका निगेटिव ही चीजें देखता रहूं कि नेमाराम जी में ये गलत, ये गलत, ये ठीक नहीं किया। तो बताइए आपकी मेरी पर्सनैलिटी कैसी होगी? मेरी पर्सनैलिटी में मैं कुछ नहीं सीख सकूंगा। क्यों? कि नेमाराम जी के यदि पॉजिटिव पे मैंने कंसेंट्रेट किया तो मैं पॉजिटिव कुछ ग्रहण भी करूंगा, नहीं तो निगेटिव करने से मैं इनको भी नाराज करूंगा और मेरे को भी कुछ नहीं मिलेगा। समझे आप ये सब चीज? तो हमेशा आप कोशिश ये करो, जहां पर भी जिनसे भी जुड़े हुए हो आप, उनसे पॉजिटिव एनर्जी लेने की कोशिश करो कि हमारे को इसके अंदर पॉजिटिव क्या चीज है, प्लसेस क्या है, वो सब हम उसको ग्रहण करें। ठीक है ना? तो इस तरह से करोगे तो आपका जीवन उज्जवल होगा और जीवन में आप बहुत आगे बढ़ेंगे। ये मान के चले, ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। ठीक है? अब मैं आपको जो मैंने पहले रिएक्शन सुनाए थे उसके बारे में एक एक बोलूंगा, और आपको उसके बारे में बोलना है कि ये पॉजिटिव थिंकिंग का विचार है या निगेटिव थिंकिंग का है। ठीक है? हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड एक्सपेक्टिंग द सेम फॉर यू। कोई निगेटिव बोला? किसी का निगेटिव कहना है? कोई नहीं, वेरी गुड, दिस इज पॉजिटिव रिएक्शन। हमारे पास में कोई भी कॉल आता है हम उसके बहुत पॉजिटिव तरह से जवाब देते हैं। दूसरा आया, हेलो आप कैसे हैं? ठीक है यार, कट रही है, चल रहा है, क्या बताएं, जी रहे हैं। बोली निगेटिव। आपने भी इसको डिसलाइक किया ना, आपको भी अच्छा नहीं लगा कि ये क्या बोलने का तरीका है, इसमें तो सुस्ती ही सुस्ती है सब, ये निगेटिव थिंकिंग। फिर दूसरा आया, ये आधी गिलास भरी हुई है, पॉजिटिव। ये तो आधी गिलास खाली है। अच्छा, अब आपके आधी भरी हुई बोलने से क्या होगा कि आप इसको पूरी भरने की भी कोशिश करोगे, और नहीं तो आप आधी खाली पे कंसेंट्रेट करोगे तो हमेशा आपका यही आएगा दिमाग में कि ये खाली है, खाली है, खाली है, और आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकोगे। ठीक है ना? तो इस तरह से होता है। फिर तीसरा क्या था कि आपको कोई जिम्मेवारी मिली और उसमें आपने बोला आई कैन डू, आई विल डू एंड करके रहूंगा, ये क्या हुआ? पॉजिटिव। यस, वेरी गुड। और नहीं, ये काम तो मैं नहीं कर सकता, इतनी तो मेरे में शक्ति नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मैं तो पास नहीं हो सकता इसलिए मैं एग्जाम नहीं दूंगा, मेरे तो नेगेटिव। और पास होके रहूंगा और मैं खूब मेहनत करूंगा और फर्स्ट आऊंगा। तो अब आप बताओ कि आपको कौन सा विचार पसंद आया? तो सभी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, थैंक यू एवरीवन।